शहीद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का एसेसिनेशन जिस दिन हुआ उस 20 अगस्त 2013 के बाद पिछले 5 सालों में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के एसेसिनेशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन जो चलते आ रहा है उसमें पहले महाराष्ट्र की सभी पुलिस एजेंसीज SID, CID, ATS और उसके बाद CBI और उसके साथ NIA ऐसे 5 इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी उसमें सेंट्रल लेवल के 2 और स्टेट लेवल की 3 ये सभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसके बाद दाभोलकर मर्डर के बाद पानसरे खनपुर की और गौरी लंकेश के मर्डर केस में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी हाल में पिछले 1 महीने में गौरी लंकेश के मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ नई फाइंडिंग्स आई, इसकी वजह से बाकी जो भी मर्डर केसेस है दाभोलकर पानसरे खनपुर की उसकी भी लिंक्स उसमें कुछ मिली है और ये सभी एक साथ जुड़े हुए हैं और इसके पीछे जिसने जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है वो हिंदू रेडिकल हिंदू फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके इसमें है और उनमें से प्रोमिनेंट नाम है सनातन संस्था, उनके साथ जुड़े हुए और या उनसे उनके द्वारा इनिशिएट किया गया हिंदू जनजागरण समिति कर्नाटका में से किसी ग्राम सेना वगैरह ये सब लोग हैं और उनका मोटिव रहा है कि इस मर्डर इन मर्डर करने में कि विचारों का प्रतिवाद विचारों से न कर सके इसलिए मार डालना खत्म करना इंसान को इस मोडस ऑपरेटिव इस मोटिव से इन्होंने ये किया है और ये मोटिव समझाने में हमें 4 साल लगे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फ्रॉम फर्स्ट डे मर्डर के बाद 20 अगस्त 2013 को जो मर्डर हुआ उसी दिन से हम ये बात रखते आए हैं कि रेगुलर मर्डर केस में जिस तरीके से मोटिव रहता है इस केसेस में ये मोटिव नहीं है, इसमें आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन जिनके साथ पिछले 20 सालों से चलता आया है वो सनातन संस्था और उनके साथी लोग यही हो सकते हैं ऐसा हम बयां करते आए थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने एजेंसीज ने स्टेट एजेंसीज ने इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं रखा, गंभीरता से नहीं लिया और 2-2.5 साल केवल अलग अलग जो भी उसके डायमेंशन हो गए मर्डर के बारे में वो तलाशते रहने में समय गवाया और उसके बाद ये कंक्लूजन पर वो आए और उन्होंने अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल हुए उसमें ये रजिस्टर हो चुका है कि विचारों का प्रतिवाद विचारों के न विचारों से न करने के कारण दाभोलकर और पानसरे जी का मर्डर हुआ है। ये पहली बात जिसमें हमें साइंटिफिक टेम्पर के लड़ाई में जिस तरीके के साइंटिफिक टेम्पर को समाज में प्रस्तावित करना है गतिमान करना है इसके लिए जिस तरीके की लड़ाई चलती आ रही है आज की लड़ाई नहीं है कई सालों से है उसका एक उसकी एक लीगसी हमें मिली है जैसे हम सॉक्रेटिस से लेकर राहुल तक ऐसा कह सकते हैं इस लीगसी में ऐसे कई लोगों को खत्म कर किया गया है जिनके विचारों का प्रतिवाद विचारों से बाकी लोग नहीं कर सके जिनका विरोध था जिन जो प्रतिवाद करते रहे लेकिन उन्होंने शाब्दिक और वैचारिक प्रतिवाद के आगे जाके उन लोगों को मार डाला ताकि वो बिचारे बंद पड़े खत्म हो जाए बाहर हो जाए ऐसी उनकी कोशिश रही लेकिन ये हुआ नहीं, दुनिया के आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, वो विचार चलते आया उसके बाद किसी ने उसको लिया और आगे वो चलाने की कोशिश की इसी तरीके से आज भी ये चलते आ रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का राष्ट्रीय दिन हम मनाए ये जो प्रस्ताव सामने आया और वो डॉक्टर दाभोलकर के मर्डर के का जो दिन है मृत्यु का दिन है उस दिन को 20 अगस्त को मनाए ये जो प्रस्ताव ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क की तरफ से हमें किया गया और उसका हमने स्वागत किया और मुझे ये खुशी है कि आज देश में कई राज्यों में हमारे लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए 20 अगस्त को जुड़ के कुछ एक्टिविटीज कुछ अवेयरनेस एक्टिविटीज प्लान कर रहे कि और कुछ जगह पर वो शुरू हो चुकी महाराष्ट्र में भी करीबन सभी जिलों में इस तरीके की अवेयरनेस की एक्टिविटी चलती आ रही है पिछले कुछ हफ्तों में और आगे महीना भर 20 अगस्त से लेके 21 सितंबर तक 21 सितंबर है ये दिन है 1995 में 21 सितंबर को गणेश दुग्ध प्राशन का चमत्कार
का दावा किया और उसको हमने एक्सपोज किया था कि इस तरीके से सरफेस टेंशन और कैपिलरी रिएक्शन की वजह से ये हो रहा है, ये हमने लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिया है महाराष्ट्र में। और उसके बाद 96 से लेके 21 सितंबर हम चमत्कार सतीशतन दिन उसको मनाते हैं, इसलिए हमने 20 अगस्त से 21 सितंबर ये महीना भर का कैंपेन अवेयरनेस ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए प्लान किया है और हर साल ये हमने करने की ठान ली। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर खुद एज अ ह्यूमन, एज अ एक्टिविस्ट, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज अ सोशल वर्कर, साइंटिफिक टेम्पर के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव थे, ज़्यादा सोचते थे और अपनी खुद की जिंदगी में वो लागू करने की कई बार कई कोशिशें उन्होंने अपनी जिंदगी में की। करीबन 70 साल की उनकी उम्र में उन्होंने करीबन 50 साल इस सोच को आगे ले जाने की कोशिश जारी रखी। कई फोरम्स पर यूथ के साथ वो काम करते थे, वो एक अच्छे रेसलर, एक अच्छे कबड्डी के प्लेयर रहे हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो कबड्डी प्लेयर करके नामचीन थे। वहाँ पर भी उनके टीम के साथ साइंटिफिक टेम्पर को आगे लेने जाने की कोशिशें क्रीडा में, स्पोर्ट्स में उन्होंने शुरू की थी। समाजवादी युवक दल में भी जो संगठन उन्होंने उनके साथ ही उन्होंने उस समय खड़ा किया था 70s में, उसमें भी इसके लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज में साइंटिफिक टेम्पर को आगे ले जाने की कोशिश उन्होंने की थी। उसके बाद 90s से लेके फिर 2015 तक उन्होंने डॉक्टर अंधविश्वास निर्मूलन के नाम द्वारा भगवान के नाम पर गॉड या जो भी स्पिरिचुअल ताकत है उसके नाम से या फिर रिलीजन के नाम से जो भी अंधविश्वास फैलाया जाता है, जो भी रिचुअल्स करने के लिए कहा जाता है, परंपरा के नाम पे जो भी बातें होती है उससे एक्सप्लॉयटेशन लोगों का होता है और आदमी के विकास में, डेवलपमेंट में वो एक बड़ा खतरा है, बड़ा अड़सर है। ये इसकी जानकारी लोगों तक देने की कोशिश एक पहल की, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू, अंधविश्वास का प्रश्न है, अंधश्रद्धा का प्रश्न है, ये आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश महाराष्ट्र में पहले दशक में 90 के दशक में अंधविश्वास उन्मूलन समिति हमारे संगठन की तरफ से हमने की, डॉक्टर दाभोलकर ने उसको लीड किया। इशू आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, भूत प्रेत होता है, आत्मा है, पुनर्जन्म है, प्लैनेट है, चमत्कार है, स्वर्ग है, नरक है, पाप है, पुण्य है, ये सभी जो बातें हैं लोगों के ऊपर हावी रही, परंपरा से का भाग पार्ट उसको माना गया, उसको किस तरीके से डिनाई करें, उसकी तरफ कैसे देखें, उसको किस तरीके से हल करें, अपनी ज़िंदगी में उसको किस तरीके से ख़त्म करें या रुका उसको रोके, इसके लिए पहले वो क्या बात है और उसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है आम आदमी का, ये समझाने की कोशिश हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डॉक्टर दाभोलकर के नेतृत्व में हमने करने की कोशिश की। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यू के बाद उसको किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए ये भी किया। केवल विरोध करके, केवल अपोज करके ये बातें खत्म होने वाली नहीं है, केवल उसका डायग्नोसिस किया, एनालिसिस किया, उससे ये बात खत्म नहीं होती, तो मासेस में, आम आदमियों में ये लोगों इसका एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए होगा, तो उसको लोगों ने रिसीव करना होगा, उसको इन साइंटिफिक टेप पर इनकल्केट करना होगा समाज में, तो उसके लिए उसको पर्यायी रूप, पर्यायी कृति कार्यक्रम, प्रोग्राम देने की ज़रूरत है। और वो मुझे लगता है दो दशकों में महाराष्ट्र में हमारे संगठन की तरफ से हमने करने की कोशिश की है। यानी आप अगर भगवान के नाम पे कुछ, हम क्या कहेंगे, नवस बोलते हैं कि मुझे ये मेरा घर में बीमारी आती है, वो बीमारी जानी चाहिए, तो उसके लिए भगवान को कुछ बोला जाता है कि ये मेरे घर की बीमारी चली गई तो मैं मुर्गा काट दूंगा या कुछ दूसरा कुछ आपको बहा दूंगा, नारियल फोड़ दूंगा, तो ये जो भी इसके बारे में बिलीफ है वो दूर होने के लिए, केवल ये गलत है ये बता के फायदा काम नहीं होता है, तो इसको छोड़ के, इसको रोक के दूसरा क्या करें, इसके बारे में जो पॉजिटिव इंटरप्शन हम कहते हैं,
इश्यूज को सॉल्व करना होगा तो सवालों को हल करना होगा तो सवालों को खत्म करना होगा तो पॉजिटिव इंटरप्शन की जरूरत है। और ये पॉजिटिव इंटरप्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके की लाइन ऑफ एक्शन उसके लिए चाहिए, किस तरीके की पॉलिसी उसके लिए हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और किस तरीके का एक्शन प्रोग्राम हमें लोगों को देना चाहिए ताकि उसमें वो इन्वॉल्व हो, ये कोशिश हमने पिछले 20 सालों में महाराष्ट्र में की है। मुझे लगता है कई ऐसे रिचुअल्स है जिसको हमने पर्याय देने की कोशिश की और आज महाराष्ट्र में आम तौर पे इसका एक्सेप्टेंस बढ़ा है। कुछ इस तरह की जैसे क्रैकल फ्री दिवाली एक कैंपेन हमने चलाई 15 साल, आज महाराष्ट्र में सभी मोटी तौर पर स्टूडेंट से लेकर सभी लोगों तक एक एक्सेप्टेंस है कि क्रैकर की दिवाली मनाना है क्योंकि क्रैकर से ये होता है। ये देख क्रैकर एक पार्ट ऑफ द रिलीजन, पार्ट ऑफ द कल्चर, हमारे उत्सवों का भाग माना गया था लेकिन आज उससे अलग राय बनाने में हम कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। उसी तरीके से कई रिचुअल्स, कुछ कर्मकांड जो कहते हम उसमें हस्तक्षेप करने की, होली में लकड़ी मत जलाइए, गाली गलौज मत कीजिए, शराब मत पीजिए, रंगपंचमी में रंगों को इको फ्रेंडली कलर होली की खेलिए वगैरह वगैरह, ये भी चेंज इस तरीके से हम धीरे धीरे लाने की कोशिश और इसका इसके बारे में आम सहमति आज महाराष्ट्र में बनने में कुछ कामयाबी मिली है। मुझे लगता है कि साइंटिफिक टेम्पर सिर्फ थेरोटिकली बताना, उसका थेरोटिकल साइंटिफिकली एनालिसिस करके बताना ये एक बात है लेकिन उसकी एक मर्यादा रही है जो हमारी एकेडमिशियंस की, हमारी एजुकेशन सिस्टम की भी मर्यादा है कि 70 साल में बेसिक यानी हमारे यहाँ पे आज भी ये कैंपेन करने की जरूरत क्यों होती है कि हाथ धोना है, बच्चों को स्कूलों में हाथ धोने की कैंपेन सरकार की तरफ से चलाई जाती है और करोड़ों रुपए उसके लिए खर्च किए जाते हैं, या इस लैट्रिन के लिए बाहर नहीं जाना अंदर जाना दरवाजा बंद करो की कैंपेन क्यों चलाई जाती है। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की लिटरेसी रखने वाला जो कौन रही है, जो साइंटिफिक टेम्पर खुद के जिंदगी में इन्होंने एक्सेप्ट किया है और वो एक पॉलिसी मेकिंग लेवल पे आज काम कर रहे हैं, उन लोगों ने उस साइंटिफिक टेम्पर को, उसकी पॉलिसी को छोटे छोटे एक्शन प्रोग्राम्स में ढाल के लोगों तक ले जाने में हमें कामयाबी नहीं मिली। समूह मुझे लगता है कि वो सेल्फ सेंटर रहे आज तक। इसके बारे में मेरा खुद का निक गया ना, मुझे इसे समझ में आ गया तो मेरा भला हो गया, मेरी फैमिली का भला हुआ है, खत्म बात, दुनिया से और समाज से मुझे क्या लेना देना। इस तरीके की मानसिकता हमारे इस सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर मेंटेलिटी की आज काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। उसी तरह स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट ने साइंटिफिक टेम्पर इंकल्केट करने की वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें राइट देता है जिसके द्वारा साइंटिफिक टेम्पर में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी प्रोविजन, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्परामेंट, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड ह्यूमनिज्म। तो ये बातें अभी तक हमें स्कूलों में किसी को बताई गई क्या, किसी को मालूम तक नहीं है इसका क्या अर्थ है। टीचर्स को भी इसके बारे में काफ़ी हद तक आज मालूम नहीं है कि ये हमारी ड्यूटी एज अ इंडियन सिटीजन, दिस इज आवर ड्यूटी टू इंकल्केट साइंटिफिक टेम्परामेंट इन सोसाइटी। तो ये बेसिक क्लियरिटी, उसके लिए बेसिक एमिनिटी मेंटेलिटी बनाने में 70 सालों में हमें जो कोशिश करनी चाहिए थी वो स्टेट की तरफ से नहीं हुई, सोसाइटी में पॉलिसी मेकिंग जो ग्रुप है उनकी तरफ से नहीं हुई, एजुकेशन सिस्टम ने भी उसमें कुछ हद तक जो रोल निभाना चाहिए तो वो नहीं निभा सका। इसके लिए आज के जो भी सवाल है, आज की जो भी बातें हैं हमारे सामने चैलेंज है डेवलपमेंट के बाद ये वो उसकी वजह से है मुझे लगता है। और उसके साथ इंडियन मेंटेलिटी है क्या है कि इतिहास में हमें घूमने में, इतिहास के पन्नों को पढ़ने में और उसकी दुनिया में सफर करने में हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ आज भी शायद शिवाजी की सीरियल और ये अकबर की सीरियल और ये और क्या क्या सीरियल्स को ज़्यादा टीआरपी मिलता है। जिस 90s में शायद रामायण आया था तो कर्फ्यू लगता था रास्ते में टीवी देखते हुए, बाकी रास्ते में कोई नहीं मिलता था। तो ये जो मेंटेलिटी है कि हिस्ट्री के बारे में हमारे आम आदमियों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है
और इसी वजह से विजनरी थिंकिंग, रिसर्च और उसके लिए साइंटिफिक टेंपर, ये देने में हमें काफी कठिनाई मर्यादा रही है, तो इससे भी बाहर निकलने की जरूरत है। और आज की राजनीति की सभी लड़ाइयां हिस्ट्री के प्रतीकों को लेकर ही चल रही है। वोट बैंक की लड़ाई है, हिस्ट्री को प्रतीकों को आगे करके ही चलाई जा रही है। कास्टिज्म, रिलीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए, तो ये सभी मर्यादाओं को देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अंधविश्वास उन्मूलन समिति की तरफ से एक पर्सपेक्टिव इसके बारे में रखा गया कि इन पॉइंट ऑफ व्यू रिलीजन, इन पॉइंट ऑफ व्यू गॉड एंड दैट मिस्टीरियस स्ट्रेंथ, अंधविश्वास जो बड़ा है उसके बारे में किस तरीके की सोचना चाहिए, साइंटिफिक टेंपर डेवलप करना चाहिए, इसकी कोशिश हमने पिछले 30 सालों में महाराष्ट्र में की। एक पैटर्न हमने महाराष्ट्र में इस तरीके का डेवलप किया है। मुझे लगता है बाकी लोगों ने ये देखना चाहिए, हमारे जो लाइक माइंडेड है, जो साइंटिफिक टेंपर को इंप्लीकेट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, सीरियस है इसके बारे में, ऑर्गेनाइज एफर्ट करना चाहते, तो वो जरूर हमारे काम को देखे, उसको क्रिटिसाइज करें और उसके बारे में चर्चा करके, वो अगर अच्छा रहा, उसका अनुभव पॉजिटिव रहा होगा, इफेक्ट मिले होंगे, तो आप उसको आगे चल के देश में और दुनिया में ले जाने की कोशिश करें, ऐसा अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।